नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेनू सुनीता। विधानसभा चुनाव आने से पहले ही हल्द्वानी कांग्रेस में गुटबाजी नजर आने लगी है। हाल ही में हेमंत साहू को हल्द्वानी युवा कांग्रेस का महानगर अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही है, जहां एक पक्ष ने हेमंत साहू की ताजपोशी पर जुलूस निकालकर इसका स्वागत किया, तो वहीं दूसरा खेमा अपना इस्तीफा सौंपकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। नाराज खेमे ने सीधे तौर पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर पर पक्षपात का आरोप लगाया है। हम लोगों की मांग ये है कि हेमंत साहू को हटाया जाए। जो हमारे प्रदीप सूर्या जी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, जब उन्होंने महानगर अध्यक्ष को लेकर के रोक लगा दिए, तो आप हल्द्वानी आते हो, उसके बाद में आप ये कार्यक्रम करवाते हो, ये तो सरासर गलत है। इसका मतलब राष्ट्रीय नेतृत्व को आप ठेंगा दिखाने का कार्य कर रहे हैं, अपने लोगों को बनाने का कार्य कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और भारतीय युवा कांग्रेस हल्द्वानी यही मांग करेगी कि उसको हटाया जाए, हेमंत साहू को, और जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं हल्द्वानी विधानसभा से, उन लोगों को आगे लाया जाए। ऐसे आम आदमी जो हमारा आम कार्यकर्ता है, उसको बहुत ही निराशा हासिल हुई है और ये सरासर गलत है और राष्ट्रीय नेतृत्व को ठेंगा दिखाने का कार्य किया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष द्वारा। हल्द्वानी महानगर युवक कांग्रेस की गुटबाजी हल्द्वानी से देहरादून पहुंच चुकी है, जहां इस्तीफा देने वाले पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और चुनाव समिति अभियान के अध्यक्ष हरीश रावत से मुलाकात कर स्थिति से अवगत करा रहे हैं। वहीं इस संबंध में जेजेएन ने जब युवा कांग्रेस के लोगों से बात की, उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारे संवाददाता रक्षण टंडन की रिपोर्ट। यूथ कांग्रेस में पदों को लेकर कुछ दिक्कतें चल रही हैं, उसी के साथ आज हम हीरानगर में मौजूद हैं। तो हमारे साथ विशाल भोजक जी मौजूद हैं NSUI से। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या मुद्दा है और क्या वो कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर। देखिए, जो भी यूथ कांग्रेस में जो भी नियुक्तियाँ हुई है, जो महानगर अध्यक्ष के पद पर जो हेमंत साहू की नियुक्ति हुई है, वो उनके पिछले कार्य को देखते हुए, उनकी जो कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा है उसको देखते हुए हुई है। और ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका आप पूछें उनसे कि उनके पिछले 6 महीने में उनकी पार्टी के प्रति क्या कार्य कराया है उन्होंने पार्टी के लिए। उनके संगठन में जो पदाधिकारी हैं, जो आज इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं या इस्तीफा दे रहे हैं, उन्होंने पिछले 6 महीने में पार्टी के संगठन के लिए क्या काम किया है। ये लोग केवल और केवल कुंठित मानसिकता के लोग हैं और इन्हें संगठन के लिए, संगठन के कार्य करने के लिए कहीं पर भी ये लोग आगे नहीं आते हैं। जहाँ पर जब भी किसी काबिल व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो ये लोग उसका विरोध करते हैं और इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। तो अभी हमारे साथ शैलेंद्र दानू जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं और इस मुद्दे को लेकर जानते हैं, जो ये मुद्दा उठ रहा है उस मुद्दे पे इनका क्या कहना है। जी, जो ये अभी जो ये कलह चल रही है या जो भी ये बात चल रही है, आजकल मैं भी न्यूज़ मीडिया में रोज़ देख रहा हूँ कि हेमंत साहू जी के महानगर अध्यक्ष बनाए जाने पे जो ये वाद विवाद चल रहा है, लेकिन मैं तो उनके फेवर में हूँ, क्योंकि मैंने उनको देखा है कि यार वो ज़मीनी कार्यकर्ता है। हर जो विपक्ष का ये काम होता है, वो उनसे बेहतर और कोई उठाता भी नहीं है। मैंने ये भी देखा है यहाँ पर शहर में, कोई भी मुद्दा होता है, किसी यहाँ पानी नहीं आता है तो सबसे पहले वो पहुँचते हैं जल संस्थान ऑफिस में, किसी को भी समस्या होती है तो सिटी स्टेट ऑफिस में। मैं लगातार उनको मुद्दे उठाते हुए देखता हूँ। तो जो एक ज़मीनी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बनाया गया है, ये बहुत बढ़िया पहल है। ऐसे ही कार्यकर्ताओं को अगर बनाया जाएगा तो निश्चित ही पार्टी जरूर अपनी दोबारा वापस आएगी। तो अभी हमारे साथ अक्षत पाठक जी हैं, जो NSUI में हैं, और आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं इस मुद्दे को लेकर उनका क्या कहना है। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुमित्र भुल्लर जी बड़े भैया ने जो एक कदम उठाया है, एक ज़मीनी कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसका हम बहुत सही है ये कि एक ज़मीनी कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, किसी परिवारवाद को हटा करके एक ज़मीनी कार्यकर्ता को महानगर अध्यक्ष बनाना, ये काफ़ी अच्छी एक पहल है। हम काफ़ी इससे प्रभावित हैं कि एक जो कांग्रेस का कार्यकर्ता खाली झंडा उठाने के लिए नहीं है, कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी भी दी जाती है, तो उससे कार्यकर्ता के अंदर पे एक भावना जागती है कि हमारी पार्टी हमारे लिए इतना सोच रही है। तो वो इसको देखते हुए सुमित्र भैया जी ने जो ये कदम उठाया है, हम उसकी वाहवाह करते हैं। तो अभी हमारे साथ हरीश आर्या जी हैं, जो यूथ कांग्रेस के काफ़ी कार्यकाल में उनका दावेदारी रही है, पद रहा है उनका, और काफ़ी उन पे पदों की यहाँ पे रही है चीज़ें। तो आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कहना है उनका इस मुद्दे को लेकर, जो विवादी मुद्दे चल रहे हैं कुछ यूथ कांग्रेस को लेकर, सुमित्र भुल्लर जी को लेकर, आइए उनसे बात करते हैं। देखिए, हेमंत साहू को महानगर अध्यक्ष हाईकमान यूथ कांग्रेस ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर जी ने बनाया है, और एक ऐसे युवा को बनाया है जो वाकई में उस पद को डिजर्व करता है और
अपनी आवाज़ को उठाने का कार्य करता है और यूथ का नेता है। आप आए दिन देखिए अखबारों में हमेशा हेमंत साहू कोई ना कोई कार्यक्रम सरकार के विरोध में और सरकार द्वारा जो जनता को वादे पूरे नहीं किए जाते तरह तरह के कार्यक्रम उनके द्वारा किए जाते हैं और एक ऊर्जावान व्यक्ति है और एक आंदोलनकारी व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को यूथ कांग्रेस में महानगर अध्यक्ष बनाया गया है और जो ये गुटबाजी वाली राजनीति जो चल रही है ये सरासर गलत है। एक नई ऊर्जा मिली है, एक ऐसा व्यक्ति मिला है, एक ऐसा नेता मिला है महानगर अध्यक्ष के रूप में जो आने वाले टाइम में यूथ कांग्रेस को हल्द्वानी में नगर में एक नई ऊर्जा देने का कार्य करेगा, एक नई टीम बनाने का कार्य करेगा। तो अभी हमारे साथ मौजूद है यूथ कांग्रेस के महासचिव हृदेश आर्या जी, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या मुद्दे को लेकर आपसी विवाद चल रहा है और क्या उसके मुख्य कारण है। सर, यूथ कांग्रेस में जो है पहले की अपेक्षा, पहले तो इलेक्शन होता था संगठन में चुने जाने के लिए, लेकिन अब जो है इलेक्शन को बंद करके जो है मनोनयन की प्रक्रिया अपना ली गई है, तो मनोनयन के माध्यम से ही इनकी नियुक्ति हुई है और न ही इनके स्थान पे किसी को हटाया गया है, किसी भी अन्य पद पे किसी को भी नहीं हटाया गया है, केवल एक नई नियुक्ति की गई है और ये अपनी व्यक्तिगत रंजिश कह सकते हैं या अपना व्यक्तिगत कुछ स्वार्थों की वजह से इनका आपस में वो है गुटबाजी, बस यही है। और बाकी हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे ये साथी हैं इनसे जो भी हमारा ये यूथ कांग्रेस का आपस में जो भी संगठन का जो विवाद है शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से, और इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक कमेटी भी बैठाई है उसके माध्यम से इसका शीघ्र निस्तारण कर लिया जाएगा। और वो सब हमारे अपने भाई लोग हैं और नया जो ये नई नियुक्ति हुई है उनका हमारे यूथ कांग्रेस परिवार में हम स्वागत करते हैं। तो हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।